हेलो स्टूडेंट, आज हम ब्याज निर्धारण के जो शेष दो सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने ब्याज के आशय, उसके प्रकार और ब्याज दर निर्धारण के दो सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा जो है वह है ऋण कोष सिद्धांत, जो लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे किन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत। किन्स के अनुसार ब्याज दर वह पुरस्कार है जो लोगों को धन संचित के लिए मुद्रा को अन्य तत्वों में या अतिरिक्त किसी अन्य संचय मुद्रा के अतिरिक्त किसी तत्वों में रखने के लिए या उसमें उसको प्रोत्साहित करने वाले दिए जाने वाला पुरस्कार कहलाता है। इसके अंतर्गत ब्याज का निर्धारण के संबंध में किन्स के सिद्धांत के अनुसार ये माना गया कि मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों ही ब्याज दर का निर्धारण करती है। किन्स की परिभाषा के अनुसार हम देखें तो किन्स ने मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी पर आधारित किया। तरलता पसंदगी, लोगों में मुद्रा को तरल रूप में रखने की इच्छा रहती है, उसके बारे में बताया गया। तो यह तरलता पसंदगी का क्या कारण है, तो हम देखते हैं तरलता पसंदगी के तीन कारण हैं। पहला है सौदे के उद्देश्य, दूसरा है दूरदर्शिता का उद्देश्य और तीसरा है सट्टा का उद्देश्य। सौदे का उद्देश्य, जिसे का तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति की आय के आधार पर किसी भी प्रकार से एक निश्चित अवधि के पश्चात उसको आवश्यकता के अनुसार खर्च करने की स्थिति हो सकती है, तो वहां पर तरलता पसंदगी सौदे के आधार पर होती है। दूसरा जो है वह है जैसा दूरदर्शिता, मान लीजिए आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई या मान लीजिए कि आप बीमार हो गए या अन्य किसी भी आकस्मिक कारण से उस पर खर्च करने के लिए भी लोगों की प्रवृत्ति होती है कि मुद्रा को तरल रूप में रखने की। तीसरा होता है सट्टा का उद्देश्य, बाजार की अनियमितता के कारण लोग अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और जिसके आधार पर वह क्या करते हैं, मुद्रा को तरल रूप में रखना पसंद करते हैं। अब देखिए, आप स्लाइड में देख रहे हैं तरलता पसंदगी, इसका मतलब है कि किन्स ने तरलता पसंदगी वक्र को ही मुद्रा की मांग मानी है। अब यहां पर आप इस स्लाइड में देखिए OX जो रेखा है वह मुद्रा की मात्रा बता रहा है और OY ब्याज की दर। इसके आधार पर जो BLP रेखा है वह उसकी ढलान बाएं से दाहिनी ओर नीचे की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है, देखिए ध्यान से। और इसका कारण यह है कि तरलता, ब्याज का दर जैसे जैसे बढ़ेगा लोगों में तरलता पसंदगी कम होगी, उसके मतलब मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, और जैसे जैसे ब्याज दर कम होगा वह संचय जो है वह उसकी वृद्धि होगी। ब्याज दर और तरलता पसंदगी दोनों के बीच विपरीत संबंध है, कम होने पर बढ़ेगी और बढ़ने पर कम होगी। तो इसका ढलान जो है वो आप देख रहे हैं कि बाईं ओर से दाहिनी ओर नीचे झुकती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा है इसके अंतर्गत है तरलता पसंदगी, तो इसकी मांग को बताया। दूसरा है मुद्रा की पूर्ति, ठीक है, मुद्रा की पूर्ति इसके अंतर्गत आप ध्यान दीजिए मुद्रा, पत्र मुद्रा, साख मुद्रा आदि को सम्मिलित किया गया। ब्याज दर बहुत अधिक होने के बाद एक स्थिर कर दिया जाता है क्योंकि इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। आप इस स्लाइड के चित्र में देखिए कि OX पूंजी मुद्रा की मात्रा बता रही है और OY जो है वो ब्याज की दर, और MM वक्र जो है वो सीधे और सरल
सीधे तरीके से जाकर स्थिर हो गई है। तो ये MM वक्र जो है वह बता रहा है कि इसकी पूर्ति वक्र है और यह एक लंबवत रूप से दिखाया गया है, अर्थात स्थिर हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक लंबे समय के बाद में इसमें निर्धारण जो है वह स्थिर माना गया है। अब है कि किन्स के तरलता पसंदगी के अंतर्गत ब्याज दर का निर्धारण। अब आप इस स्लाइड के माध्यम से अपन ये तय कर लेते हैं कि मांग और पूर्ति दोनों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने इस चार्ट के माध्यम से समझाने का कोशिश किया, जिसको हम रेखा चित्र के आधार पर दिखाया गया। ये है कि ब्याज दर 2%, 4%, 6% और 8%। तरलता पसंदगी जो 6,000 रुपए, 5,000, 5,000 और 3,000 रुपए। अब मुद्रा की पूर्ति, मैंने बताया कि वह सिर्फ लंबवत के आधार पर, तो इसमें सभी प्रतिशतों में 4,000 रुपए की आधार पर निश्चित स्थिर हो गई। अब आप उस स्लाइड के माध्यम से देखिए कि जो लंबवत बिंदु है वह 6,000 रुपए में 6% में 5,000 रुपए तरलता पसंदगी को, पूर्ति वक्र को 4,000 रुपए की पूर्ति पर काट रहा है और वह बिंदु बन रहा है P। तो आप ये देखेंगे कि P बिंदु जो है वह ब्याज दर के निर्धारण की बिंदु बनी है। अब यहाँ पर इस चार्ट के आधार पर मैंने इस स्लाइड में आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके आधार पर इसकी कुछ ब्याज आलोचनाएं भी आई हैं। आलोचनाओं के यह अमौद्रिक तत्वों को नहीं शामिल किया गया, एक पक्षी है, और ब्याज दर पर विनियोग की राशि की मांग को स्वतंत्र नहीं हो सकती। फिर इसके बाद ये कहा गया ब्याज तरलता का परित्याग है, फिर अनिर्धारणीय है, संकुचित दृष्टिकोण में प्रस्तुत के, ऐसे बहुत सारे जो आप इस स्लाइड में दिख रहे हैं उसके आधार पर। अब इनके अध्ययन के आधार पर हम अगर देखते हैं तो किन्स के सिद्धांत और ऋण कोष ब्याज का सिद्धांत दोनों का अगर तुलना करते हैं तो उसमें कुछ किन्स का सिद्धांत कुछ बिंदुओं पर श्रेष्ठ होता है। एनालिसिस जो है वो है, पहला जो है वो है स्टॉक विश्लेषण, दूसरा सामान्य विश्लेषण, तीसरा अधिक वास्तविक, किससे, लोनेबल फंड के थ्योरी से ये ज्यादा वास्तविक है, और इसके अलावा बचत और विनियोग की दृष्टि से। तो यहाँ पर हम किन्स के सिद्धांत के आधार पर ब्याज के दर का निर्धारण का अध्ययन किए। अब अगला है हमारा ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। ब्याज का आधुनिक सिद्धांत, आपको बता दें किन्स के सिद्धांत को थोड़ा परिवर्तन करके नया रूप देकर बनाया गया, इसलिए इसे कई बार यह भी माना जाता है कि नव किन्स सिद्धांत के रूप में, प्रेरित सिद्धांत के रूप में भी इसको उपयोग कहा जाता है। और इसके अंतर्गत सिद्धांतों को आधुनिक सिद्धांत के ब्याज दर में निर्धारण में मौद्रिक और वास्तविक दोनों तत्वों की समस्याओं को अध्ययन करके एक नए रूप में प्रस्तुत किया। ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि चार तत्वों को शामिल किया गया है, विनियोग मांग वक्र, बचत रेखा, तरलता पसंदगी रेखा और मुद्रा की मात्रा की पूर्ति। अब देखिए स्लाइड के माध्यम से आप देख रहे हैं कि इसमें विनियोग बचत वक्र, इसके अंतर्गत Y1, Y2, Y3 और Y4 विभिन्न प्रकार के आय स्तर को दिखा रहा है। इन विभिन्न आय स्तरों के अंतर्गत क्रमशः SY1, SY2, SY3, SY4 आदि दिखाया गया, जो ब्याज के दर ऐसी होगी कि बचत तथा विनियोग एक दूसरे को बराबर करती हो। इस समय आय स्तर Y1 तो उस समय P1, M1 ब्याज की दर पर बचत और विनियोग का में साम्य स्थापित होती है, क्योंकि दोनों ही OM1 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब IS वक्र ढलान है वो दाएं की ओर से नीचे झुकता हुआ दिखता है, अर्थात आय की वृद्धि के साथ साथ बचत की में वृद्धि होती है, फलतः ब्याज की दर घट जाती है।
इसी के आधार पर दोनों चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। अब देखिए ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत दूसरा ब्याज निर्धारण के तत्व के अंतर्गत लिया गया है तरलता पसंदगी रेखा और मुद्रा की मात्रा वक्र। आप स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं कि इसमें जो है आईएस वक्र के अंतर्गत ब्याज के सिद्धांत के निर्धारण में यह है कि एलएम रेखा जो है वो बताया जा रहा है, वो उसका बाएं से दाहिने की ओर ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। इसमें मुद्रा की मात्रा तथा तरलता पसंदगी दोनों अलग अलग स्तर पर अलग अलग आय के स्तरों पर के लिए दिया गया है। ब्याज की दर क्या होगी इसका निर्धारण इस आधार पर हम बनाए तो देखते हैं कि ब्याज का दर तथा आय में आपस संबंध को प्रदर्शित करता है वो है एलएम वक्र। वह वक्र बाएं से दाएं की ओर ऊपर उठ रहा है और जिस समय आय बढ़ती है उस समय तरलता पसंदगी बढ़ती है और जिसके कारण ब्याज दर भी बढ़ती है। इसके विपरीत आय घटने पर ब्याज की दर भी घट रही है और एलएम वक्र जो है उसका वह जो है वह बाईं ओर नीचे झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आगे ब्याज दर का निर्धारण, ब्याज दर का निर्धारण इसमें आप स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं कि आईएस और एलएम वक्र को प्राप्त करना है और इसके आधार पर ब्याज हमें पी बिंदु पर मिल रही है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिष्ठित सिद्धांत और किन्सियन सिद्धांत के मुख्य त्रुटि को दूर करते हुए यह रेखा आईएस और एलएम वक्र स्वतंत्र रूप से ब्याज का निर्धारण करते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देखिए जिस समय ब्याज की दर पीएम रहती है उस समय एक ओर तो विनियोग बराबर होती है और दूसरी ओर नगद के लिए मांग और पूर्ति बराबर होती है और ब्याज दर ओएम आय के लिए होती है। यहाँ से स्पष्ट है कि कोई ब्याज की दर साम्य की अवस्था में नहीं होगी, अर्थात यदि ब्याज की दर ON1 है तब बचत तथा विनियोग OM1 है आय के बराबर है, जब होंगे तो नगद की मांग और पूर्ति OM2 हो जाएगा तो आय के बराबर होंगे, किंतु यह एक समय पर दोनों आय के स्तर पर नहीं हो सकते। अतः स्पष्ट है कि ब्याज का दर आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ब्याज का दर उसी निश्चित स्थान पर होगा जहां LM तथा IS वक्र एक दूसरे को काटता है और वहीं पर ब्याज दर और आय इसी संयोग को संतुलन की दोहरी शर्त को पूरी करता है। इससे स्पष्ट है कि आधुनिक सिद्धांत तरलता पसंदगी और तरलता सिद्धांत से श्रेष्ठ है क्योंकि यह सिद्धांत सफलता पूर्वक बचत विनियोग नगद की मांग और मुद्रा की पूर्ति को एकीकरण करता है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ब्याज निर्धारण की कुछ श्रेष्ठताएं भी है, जैसे कि ये अधिक वास्तविक है क्योंकि चारों तत्वों को इसमें शामिल किया गया है, इसलिए माना जाता है कि ये अधिक वास्तविक है। दूसरा ये माना गया है कि ये निश्चितता है इसमें, क्योंकि तरलता पसंदगी के सिद्धांत के भी और प्रतिष्ठित सिद्धांत के दोनों अवयवों को शामिल किया गया है तो इसमें निश्चितता बनी रहती है और ये नीतिपरक भी मानी गई है, अर्थात पॉलिसी ओरिएंटेड है। ये इस आधुनिक सिद्धांत के कुछ विशेषताएं या श्रेष्ठता है। इसके बाद आप स्लाइड में देख रहे हैं कि ब्याज दरों में भिन्नता के कारण, तो देखिए ब्याज दरों की भिन्नता का यहाँ 10 तत्व बताया गया है। जैसे पहला हो सकता है कि जोखिम का में भिन्नता, अर्थात जोखिम में अधिक भी हो सकता है तो वहां पर उसके आधार पर ब्याज दर निश्चित होता है। फिर है ऋण की अवधि प्रभावित करती है। तीसरा है ऋण की प्रकृति या स्वभाव, ऋण की मात्रा। फिर है पूंजी की गतिशीलता, बैंक की सुविधाएं। फिर है असुविधाएं। फिर हम ये कह सकते हैं ऋण की जमानत। फिर अगर हम इसमें देखते हैं कि अधिक आर्थिक विकास का स्तर, तो ये सारे तत्व हैं जो ब्याज में अलग अलग प्रकार के दरों को भिन्नता उत्पन्न करते हैं। अब अंतिम हमारे पास आता है वो है कि क्या ब्याज दर शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। वैसे तो हम देखें कि ब्याज दर शून्य नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति जो है वह ब्याज दर को शून्य करने की स्थिति में वह तरल रूप से रखना पसंद करेगा, वह उसे और किसी
प्रकार में रखना या लगाना नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी हम तीनों सिद्धांत का अलग अलग अध्ययन करने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि पहला जो है प्रतिष्ठित सिद्धांत, इसके अंतर्गत भी ब्याज दर शून्य अगर हो जाएगा तो केवल लोग बचत करेंगे, वही लोग बचत करेंगे जिनके बचत करने की अवस्था है, अन्य लोग बचत नहीं करेंगे, तो पूर्ति की मांग कम होने लगेगी। दूसरा है किंस सिद्धांत के अनुसार भी अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मुद्रा तरल रूप में रखना पसंद करेंगे, और वह जिससे कि कम ब्याज की दर नहीं हो सकती और क्योंकि पूर्ति कम हो जाएगी, तो इसके आधार पर ब्याज दर शून्य ऋणात्मक नहीं हो सकता। और तीसरा आधुनिक सिद्धांत, तो इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि अगर किसी भी परिश्रम की आवश्यकता नहीं होगी और अर्थात पूंजी निशुल्क मिल रही है तो वहां पर ऐसा और ये स्थिति संभव नहीं है। तो इस संभव ना होने की स्थिति में ये माना जाता है कि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार भी ब्याज दर शून्य नहीं हो सकती। अंत में यह निष्कर्ष है कि हमने तीनों सिद्धांत के आधार पर ब्याज दर शून्य नहीं हो सकती, चाहे सिद्धांत कोई भी हो। आज हम लोगों ने दो कक्षाओं के माध्यम से ब्याज, उसका आशय, प्रकार, उसके चार सिद्धांत और ब्याज दर की भिन्नता के कारणों का अध्ययन किया है।